क्या आपने कभी आराम से बैठकर आप जो चाहते हैं उसकी लिस्ट बनाई है? लोग मैजिक से अमीर नहीं बनते, कुछ लकी होते हैं, पर हर किसी को वहां पहुंचने के लिए हार्ड वर्क की जरूरत होती है। आज की दुनिया में अमीर बनने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी सारी हैं कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि फिर भी लोग गरीब क्यों हैं। करोड़ों कमाने का ऑफर हर दिन उनके सामने से गुजरता है, पर वो कभी भी उसको नोटिस नहीं करते। वो वहीं से पैसा कमाते रहते हैं जहां से वो कमा रहे हैं। वो उन चीजों का मजाक उड़ाते हैं जो उन्हें करोड़ों दिला सकते हैं, फिर वो सोचते हैं कि वो अमीर क्यों नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो स्टेप्स शेयर करूंगा जिनको प्रॉपरली फॉलो करके गारंटीड है कि आप अमीर बन जाओगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप नंबर 1, रिमूव योर फॉल्स बिलीव्स अबाउट गेटिंग रिच। बहुत सारे लोग सुख समृद्धि की जिंदगी के बारे में जो झूठ है उन पर बिलीव करते हैं, जो उन्हें पीछे खींच कर रखती है। वो सोचते हैं कि उन्हें रिच लाइफस्टाइल क्या होती है उसके बारे में सब पता है। आप जब तक खुद अमीर नहीं बनेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो कैसा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जिंदगी बहुत सारा पैसा आने पर बदल जाती है, बस आपकी लाइफ मैनेज्ड हो जाती है और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। पैसे आपको अपना एम्प्लीफाइड वर्जन बना देता है। अगर आप जिंदगी में इस आइडिया के आसपास घूमते हैं कि 10 करोड़ रुपए आपकी जिंदगी बदल देंगे, तो जब वो आपको मिलेंगे ना तब आप निराश हो जाएंगे। रिच लाइफ की एक्साइटमेंट पैसे में नहीं है। अगर पैसा आपको एक्साइट करता है तब आपको ये रियलाइज करने में कुछ ही देर लगेगी कि पैसा काफी नहीं है। रिच होने की एक्साइटमेंट उससे जुड़ी होती है कि आप हमेशा से क्या करना चाहते थे जो अब आप कर रहे हैं। आप क्विकली जान पाएंगे कि पैसा यूज करके किसी और के चेहरे पर खुशी लाना वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स है। और इसी तरीके से मनी बाइज हैप्पीनेस। बड़ा झूठ जो फाइनेंसेस के रिगार्डिंग चलता है वो है कि बहुत सारा पैसा आपको अमीर बना देगा। सच्चाई ये है कि अमीर लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है। स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट योर ऑन वे टू मेक करोड्स। मैंने रिसेंटली एक करोड़पति के बारे में डॉक्यूमेंट्री देखी जिसने मुझे गहरी सोच में डाल दिया। गेस करें वो क्या करता है। वो एक फिश फार्मर है जिसकी स्पेशलिटी सालमन है। ये चीज मेरे मन में कुछ देर तक रही। आज की दुनिया में अगर आप किसी एवरेज पर्सन को जो अमीर बनना चाहता है उसे बोलेंगे कि फिश फार्मिंग करो, तो वो आपको ऐसे देखेगा जैसे आपने अपना दिमाग खो दिया है। यस, ये मुझे टोनी रॉबिन्सन की बुक की एक स्टोरी की याद दिलाता है जो मैंने कुछ साल पहले पढ़ी थी। टोनी ने एक ब्रिलियंट इन्वेस्टर को बुलाया और उनसे पूछा कि वो अभी किस चीज में इन्वेस्ट कर रहा है। तो उस इन्वेस्टर ने कहा कि निकल। ये सुनकर टोनी बहुत चौंक गया। एवरेज इंसान फैंसी के सर्च में ऑब्वियस को मिस कर देता है। किसी भी चीज को करोड़ों का बिजनेस बनाया जा सकता है, पर लोग सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं और एट द सेम टाइम भीड़ को भी फॉलो करना चाहते हैं। आप भीड़ को फॉलो करके सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आपको वो देखना पड़ेगा जो कोई भी नहीं देख पा रहा है और वो करना पड़ेगा जो कोई भी नहीं करना चाहता। रिलायंस के स्टॉक्स खरीदना बंद कीजिए, बस इसलिए कि वो एक कूल थिंग है जो वो लोग अपने पैसों के साथ कर रहे हैं। बिटकॉइन खरीदने को ट्राई करना बंद कीजिए, अपने खुद के निकल को ढूंढिए और आपको वो मिलने के लिए ज्यादा ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके लिए ये किसी भी वेंचर में करोड़ों कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि आप क्या करने का सपना देख रहे हैं उसके बारे में है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो उन चैनल्स को कॉपी करते हैं जिनसे दूसरे लोग अमीर बने हैं। ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाएगा। आपके लिए कोई ना कोई बेहतर रास्ता है, बस आपको उसे ढूंढने की देर है। स्टेप नंबर 3, फिगर आउट व्हाट यू वांट। एक तरीका है जिसे फॉलो करने पर वो ऑलमोस्ट गारंटी देता है कि आप जो चाहेंगे वो मिलेगा, पर बहुत सारे लोग दूसरे चीजों में बहक कर अपने गोल से अपना ध्यान हटा देते हैं। अगर आपका अपना कोई सपना नहीं है तो आप दूसरे इंसान के सपने के लिए जिए। चलिए मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। आप ऐसी 7 चीजों की लिस्ट बनाएं जो आप आज से 5 साल के अंदर करना चाहते हैं। जस्ट डू इट। आप सरप्राइज होंगे कि आप वो चीजें भी चाह रहे हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं था कि आप वो चाहते भी हैं। जो भी अमीर बनना चाहता है उसे ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो क्या चाहता है। आपकी डिजायर ही ये जानने देती है कि आप कितना बड़ा सपना देखेंगे। आप कैसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ये उसके बारे में नहीं है, बल्कि आप उसे कितना हाई स्केल पर बनाना चाहते हैं ये उसके बारे में है। आप एक डुप्लेक्स के लिए जो फाउंडेशन बनाते हैं वो स्काई क्रैपर की फाउंडेशन से अलग होगा।
आपको ये पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। आप जितना स्पेसिफिक हो सकें उतना हो। हर चीज तब शुरू होगी जब आपको रियलाइज होगा कि आप क्या चाहते हैं। स्टेप नंबर 4, फिगर आउट व्हाई डू यू वांट इट। अगर आप बोलेंगे कि आपको 500 करोड़ रुपए का बिजनेस चाहिए, तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि आप ये क्यों चाहते हैं। आप जो भी चीज चाहते हैं क्या वो सही है? ये श्योर करने का सिर्फ यही तरीका है कि आप ये जाने कि आप वो चीज क्यों चाहते हैं। अगर आप किसी चीज के लिए डिजायर करते हैं और आप उसके पीछे पागलों की तरह पड़े हैं, तो ऑल ऑफ सडन आप उसमें से कंप्लीटली इंटरेस्ट लूज कर देंगे। आप खो जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने उसमें से इंटरेस्ट क्यों खो दिया। पर अगर आपको पता होगा कि आपने एट द फर्स्ट प्लेस वो गोल क्यों लिया था, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हमारे गोल्स के साथ हमेशा एक इमोशनल इवेंट अटैच्ड होता है। आपको अपने गोल के साथ वैसी ही इमोशनल चीज ढूंढनी पड़ेगी, ऐसा कुछ जो आपको एक्साइट करता है। इससे आपको पता चलेगा कि वो गोल किस बारे में है। ये गोल्स के बारे में नहीं है, ये आप गोल्स अचीव होने के बाद कैसा फील करते हैं उसके बारे में है। स्टेप नंबर 5, डिसाइड व्हेन डू यू वांट इट। बिना डेट के गोल सिर्फ एक विश होती है। आपके पास अपने गोल के लिए एक डेडलाइन होनी चाहिए, वरना आप एक एवरेज इंसान हैं जो सिर्फ पैसों के लिए विश करता है। उससे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होंगे आप। विशिंग काम नहीं करता है, गोल विद डेडलाइन काम करता है। आप कैसे किसी चीज को हासिल करेंगे जब इस स्टेज पर आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं होगा? डेडलाइन तब से सेट करके रखें जब आपको यह भी नहीं पता होगा कि आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं उसके लिए उस डेट को एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर की तरह बनाएं। एक डेट सेट करें और बिलीव करें कि वो चीज उस डेट तक हो जाएगी। स्टेप नंबर 6, फिगर आउट एन आइडिया ऑफ हाउ टू गेट इट। आपके पास जो छोटा आइडिया है उसे स्टार्ट करें। जो आपको पता है उस लिटिल चीज पर फोकस करें, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे आपको रियलाइज होगा कि आप अपने सपने के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। अगर आप 500 करोड़ रुपए का बिजनेस एज एन एग्जांपल चाहते हैं, तो उस 5000 रुपए के बिजनेस को नेगलेक्ट ना करें। अगर आप इस 5000 रुपए को छोड़कर 500 करोड़ रुपए के बिजनेस को ढूंढने में लग जाएंगे, तो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अभी जो आपके पास है उसको साथ लेकर चलते रहें, फिर आगे जाकर अपना माइंड और चीजों के लिए ओपन करें। इनिशियल स्टेज में बिजनेस ये नहीं होता है कि आप किसी चीज को कितने डिफरेंटली कर रहे हैं। आपको सही लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपको एक हंग्री मार्केट की जरूरत पड़ेगी, आपको भरोसेमंद पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इन स्टेजेस को अपने सक्सेस के पाथ पर स्किप करेंगे, तो ये बाद में बहुत पेनफुल लेसन्स के साथ वापस आएगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। आगे देखते रहने से आप डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आगे देखते रहने के साथ डॉट्स कनेक्ट करने का ट्राई भी मत कीजिएगा। लोगों के प्रोमिसेस आपको फेल कर देंगे। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा शायद ना हो, पर आप एक चीज पर श्योर हो सकते हैं। अगर आप अपने गोल पर डटे रहेंगे और उसमें इमोशनली इन्वेस्टेड होंगे, तो वो आपके लिए होकर रहेंगे। और जब आप करोड़ों कमाने लग जाएंगे, तो आप ये डिस्कवर करेंगे कि जो आपको फॉर्च्यून दिलाने वाला था वो हमेशा से आपके पास ही था। आप बहुत बार उस कॉन्सेप्ट के आसपास ही चल चुके हैं, पर किसी रीजन से आपने उसे वैसे नहीं देखा जैसे आप आज देख रहे हैं। करोड़ों कमाने का सीक्रेट टीवी पर जो शार्क टैंक के जजेस डिस्कस कर रहे हैं उसमें नहीं मिलेगा। आपका करोड़ों कमाने का रास्ता दूसरे से अलग होगा, सिर्फ इसलिए कि आपको उनके जैसे पैसे और रिजल्ट चाहिए। जैसा दूसरों ने किया वैसा बिल्कुल भी ना करें। उन चीजों से अपने गोल्स बनाएं जो आपको ड्राइव करती है। इन 6 स्टेप्स को फॉलो करें और आप श्योरली रिच बनेंगे। Thanks for watching. More wisdom, more solution, better life.